गोटे गांव में बीजेपी के युवा नेता मनी नागेंद्र सिंह और मोनू पटेल की जनहितैषी छवि सामने आई है। दरअसल राशन ना मिलने की शिकायत लेकर आई महिलाओं को लेकर मोनू पटेल तुरंत राशन दुकान पर पहुंच गए और जब उन्होंने वहां राशन दुकान बंद पाई तो मौके पर ही खाद्य अधिकारी को बुलाकर दुकान को सील करवा दी। यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों से राशन दुकानों की मनमानी पर रोक लगवाने की भी बात की। आपको बता दें कि महिला प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्यादित उचित मूल्य की दुकान पर कार्डधारियों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से भी की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मोनू पटेल के पास पहुंची। मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए मोनू पटेल ने राशन दुकान पर जाकर कार्रवाई और दुकान को सील करवा दिया। कार्डधारियों ने बताया कि मनमानी करते हुए दुकान महीनों में 3-4 बार ही खुलती है, जिसमें से उन्हें पूरा राशन नहीं मिलता है। कितनी सदस्य संख्या है उसके अनुसार उन्हें सिर्फ 2 महीनों का जो राशन मिलना चाहिए था वो 1 ही महीने का दे रहे हैं। अब दुकान वाले ने आज दुकान खोली नहीं है, इसलिए दुकान सील कर दी गई मौके पे और लोगों के बयान लिए हैं, पंचनामा बनाया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए अनुभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा प्रकरण। तो मैम कब तक उपभोक्ताओं को राशन मिल पाएगा? राशन उपभोक्ताओं को कहीं से ही मिल सकता है, जिले में जितनी भी सोसाइटी है वो कहीं से भी ले सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के बाहर हैं वो भी ले सकते हैं। इसलिए राशन का इशू नहीं है कि राशन कहाँ से मिलेगा, चाहे तो ये बगल वाली सोसाइटी है जब तक इनके पास कार्ड है वो वहाँ से भी राशन ले लें, और अगर यहाँ से जिनके राशन कार्ड जमा है अंदर जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं तो उनके लिए उनके अब दुकान खोलेंगे, जब विक्रेता आ जाएगा उसके बाद इनके कार्ड इनको सबमिट कर दिए जाएंगे। क्या नाम है मैडम? श्रीमती रंजना सिंह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मोनू पटेल जनता से जुड़े मामलों को लेकर काफी सजग रहते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश भी करते हैं। कोरोना काल में उनके द्वारा की गई कोशिशों की सराहना पूरे प्रदेश में हुई थी। मौके पर पहुंची खाद्य अधिकारी रंजना सिंह का कहना है कि फिलहाल कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया है, हितग्राही चाहे तो दूसरी दुकान से राशन ले सकते हैं। गोटेगांव से पवन मिश्रा की रिपोर्ट।